तरुणांच्या लग्नात भाजप सरकारचा विकास कसा खोडा घालतोय आणि राजकारण्यांमुळे मनी आणि घोषणा कशा बदलतात यावर एक मार्मिक टिप्पणी करणारी कविता एका हास्य कवीने सादर केली आहे. मध्य प्रदेशच्या या हिंदी भाषिक हास्य कवीचे चेतन चर्चित असं नाव आहे. भाजप आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित कवी संमेलनातच कवींनी भाजपवर उपरोधिक निशाणा साधला. ऐसा जिसके पास हो घर नौकरी और कार, दी थ्री चीज इज नेसेसरी. ये इंग्लिश इसलिए बोली ताकि इसमें कंजूसी नहीं कर सकता मैं. मारवाड़ी प्रेमिका बोली, शादी के लिए लड़का जरूरी है ऐसा जिसके पास हो घर नौकरी और कार. तुमसे ना कर पाऊंगी, तुम लड़के हो बेकार. मैंने कहा ये सब भी होगा मेरे पास और होगी बाहर. गलती मेरी नहीं है, देर कर रही है सरकार. गलती मेरी नहीं है, देर कर रही है सरकार. बोली कैसे, अब जुगाड़ बताता हूँ शादी करने के लिए. जितने कुंवारे हैं अगर ये जुगाड़ उन्होंने अपना ली तो उनका इस बार. गलती मेरी नहीं है, देर कर रही है सरकार. बोली कैसे, मैंने कहा देख स्टार्टअप योजना से काम शुरू कर दूंगा. एक एक जुगाड़ बताता हूँ. फ्री फोकट में सरकारी योजना. मैंने कहा देख स्टार्टअप योजना से काम शुरू कर दूंगा. घर भी होगा अपना. प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भर दूंगा. क्या बात. अच्छा शादी के पहले जो लड़के लड़की गाने गाते फिरते बन जा तू मेरी रानी, तुझको महल दिला दूंगा. शादी के बाद वही अटल आवास की योजना में लगे मिलते. स्टार्टअप योजना से काम शुरू कर दूंगा. घर भी होगा अपना. प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भर दूंगा. घर के आगे कार खड़ी होगी मेरी. मोदी जी ही 15 लाख देने में कर रहे हैं तेरी. मोदी जी 15 लाख देने में कर रहे हैं देरी. अच्छा शादी हमारी कन्यादान योजना में हो जाएगी. अच्छा शादी हमारी अगली योजना पसंद आ जाए तो सबका मन मांगता हूँ. अच्छा शादी हमारी कन्यादान योजना में हो जाएगी. पर बारात मेरी बुलेट ट्रेन से आई. पर बारात मेरी, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए. पर बारात मेरी बुलेट ट्रेन से आएगी. वो बोली तो ऐसे वादे निभाओगे. वो बोली तो ऐसे वादे निभाओगे यानी प्यार में भी राजनीति लगाओगे. वो बोली तो ऐसे वादे निभाओगे यानी प्यार में भी राजनीति लगाओगे. तुम्हारी बातें तो लगती है बस जोर जबरदस्ती. मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं है जैसे लोगों के समझ में आई थी जीएसटी. और ये लगता है मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आई जैसे लोगों के समझ में आई थी जीएसटी. और ये लगता है के घर बसाने की तुम्हारी कोई थिंक नहीं है. अब अगर अगली पंक्ति में मजा आ जाए तो जरा जोरदार ताली से बता रहा. और ये लगता है तो बजा रहा सर. एडवांस पेमेंट का है वो कर रहा है. पटाखे बज गए आपकी. हालांकि मुझे पता आप पुणे वाले हो, कभी जमता है तो ताली बजाते हो, नहीं तो कभी को भी बजा देते. एडवांस के तो आप इतने एडवांस व्यक्ति हो, आपने तो जन्मदिन भी एडवांस में सेलिब्रेट कर दिया. क्या बात. और ये लगता है अब शुरू कर देना जरा. अभी भी मैं शुरू नहीं हुआ इस बड़े मंच के लिए. और ये लगता है कि घर बसाने की तुम्हारी कोई थिंक नहीं है. और ये लगता है कि घर बसाने की तुम्हारी कोई थिंक नहीं है. और तुम्हारा तो आधार कार्ड ही शादी के लिए लिंक नहीं है.